जप ले तू भगवान के इसमें है तेरा कल्याण, अरे मूर्ख बंदे। जप ले तू भगवान के इसमें है तेरा कल्याण, अरे मूर्ख बंदे। जप ले तू भगवान के इसमें है तेरा कल्याण, अरे मूर्ख बंदे। जप ले तू भगवान के इसमें है तेरा कल्याण, अरे मूर्ख बंदे। जप ले तू भगवान के इसमें है तेरा कल्याण, अरे मूर्ख बंदे। जप ले तू भगवान के इसमें है तेरा कल्याण, अरे मूर्ख बंदे। एसएसपी यहां पर खुद पूर्व विधायक रावण को देखने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल जनता के बीच में साधु रावण की भूमिका निभा रहे हैं। सीधी तस्वीरें खबर पड़ताल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल जनता के बीच में जाकर और रुद्रपुर की शिव नाटक क्लब की रामलीला में साधु रावण की भूमिका निभा रहे हैं। भारी संख्या में आप देख सकते हैं किस तरह से दर्शक पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल के इस साधु रावण के रोल को देखने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और ये इंदिरा कॉलोनी में पूरी रामलीला हो रही है जहाँ पर साधु रावण का रोल कर रहे हैं पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल। भारी संख्या में लोग पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल के साधु रावण के रोल को देखने के लिए पहुंचे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं कैमरे चल रहे हैं, लोग इस मंजर को अपने मोबाइल में कैमरे में कैद करने में लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, कुछ जिले के एसएसपी और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहुंचे हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ हिमांशु गावा कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं देखो।
भिक्षां देहे। कल्याण अस्तु। योगी राज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? ठीक है देवी, हम तुम्हारे सवालों का क्या जवाब दें? तुम्हारे तो सवाल ही दुनिया से न्यारे हैं। आखिर आपका कोई नाम, कोई रहने का मुकाम? देवी, फकीरों का क्या नाम और कहां उनका मुकाम? जहां रात पड़ गई अलाह वही विश्राम। फिर यहां किस लिए दर्शन दिए महात्मा? दर्शन तो देवी भिक्षा के लिए। भ्रमण करते करते बहुत थक गए हम, यात्रा से क्लांत हैं, इसलिए कुछ समय के लिए अपनी कुटिया में विश्राम करने की अनुमति दे दो देवी। और भगवान, कुटिया पे विश्राम करने के लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कारण? क्योंकि मेरे पति व देवर इस समय कुटिया में नहीं है, इसलिए अपना आसन आप वहीं बाहर लगा लीजिए। मैं आपके लिए कुछ कल मूल की व्यवस्था करती हूँ। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल इस समय रुद्रपुर के इंदिरा कॉलोनी में हो रही शिव नाटक क्लब की रामलीला में साधु रावण की भूमिका निभा रहे हैं। और आज सीता हरण का मंचन आप देखेंगे कि किस तरह से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सीता को हरने की साधु रावण के बेस में कोशिश करेंगे। ले आओ देवी, यही ले आओ। परंतु मुनिवर, मैं आपको बाहर आकर भिक्षा नहीं दे सकती। देवी, हम भ्रमण करते करते बहुत थक गए हैं, यात्रा से क्लांत हैं, और अब तो वैसे भी हमने अपना आसन जमा लिया है। शरीर वृद्ध होने के कारण मुझसे बार बार उठा नहीं जाता। यदि साधु को, ब्राह्मण को, महात्मा को भिक्षा देना चाहती हो तो यही ले लो। माता जी,
जब तक दाता श्री रामचंद्र जी इस कुटिया में नहीं आ जाते तब तक आप इस कुटिया से बाहर पांव मत रखिएगा। हे योगी राज क्षमा करना, यह रेखा छूट नहीं सकती, यह आन है देवर लक्ष्मण की जो मुझसे टूट नहीं सकती। योगी राज, मेरे देवर लक्ष्मण मुझे इस रेखा से बाहर निकलने को मना कर गए हैं, माफ कर आप यहीं आकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो, तुम नहीं जानती साधु संतों का अपमान करने में क्या फल मिलता है। द्वार पर आए साधु महात्मा को चरण छूकर भिक्षा दी जाती है, पहले कुटिया में प्रवेश के लिए साफ इनकार और भोजन की अवहेलना। बस बात हो चुका, तुम जानती हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब देख रहे हैं। इस समय तुम्हारा पति एक स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहा है और वो स्वर्ण मृग तुम्हारे पति को हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम तुम्हें श्राप दे देंगे, जाओ तुम्हारा पति। आप मुझे श्राप मत दीजिए और दीक्षा ग्रहण कीजिए। सुंदरे अब अगर तुम रेखा से बाहर आ ही गई हो तो हम अपना क्रोध शांत की लेते हैं, क्योंकि हम तुम जैसे कातिल सुंदरी के अश्रु नहीं देख सकते, परंतु और रूप यौवनी तुम्हें देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कहीं की राजकुमारी लगती हो। भगवान सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है, मैं श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी और महाराज जनक की दुलारी हूं। पिता की आज्ञा से मेरे पति 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं और उन्हीं की सेवा के लिए मैं भी उनके साथ आई हूं। मेरे देवर लक्ष्मण जो स्वामी के छोटी भाई हैं, वह भी हमारे साथ आए हैं। तमाम ऋषि मुनियों की हम पर यही हमारी संक्षिप्त सी राम कहानी है। मिथिला की राजकुमारी और ऐसी अवस्था में ये कैसा दुर्देव है, जिस कंचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस में नष्ट कर रही हो। ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पटरानी होना चाहिए। सौंदर्यमयी ज्योतिर्मय रश्मियों द्वारा आलोकित दिव्य सुंदरी, तुम्हें तो ऐसे महाराजा की पटरानी होना चाहिए जिसके नाम का डंका सारे संसार में बजता हो, जो देवताओं का देवता, लोकपालों का इष्टदेव, दानव धनुष और दैत्यों का स्वामी हो, यक्ष गंधर्व और दिग्पालों का करतार हो। मैं अपने पति के सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अवश्य हो सकता है सुंदरी, आओ हम तुम्हें बताते हैं। सीते जिसके नाम से देवता नाग किन्नर असुर राक्षस अर्थात संसार के समस्त प्राणी थर्रा उठते हो, सूर्य चंद्र नवग्र आदि जिसकी इच्छा से चलाए मार होते हो,
और जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी हो, जिसे वृक्षों के पत्ते भी फैसे स्तब्ध हो जाते हो, अरे वायु वायु भी इसके सामने सांस नहीं ले सकती, तुम ऐसे त्रिलोकी की पत्नी बनने योग्य हो। महाराज, आप ऐसे वचन मुख से क्यों निकाल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपकी जबान से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते? मैं बूढ़ी हो या जवान, बलिहाज उम्र आपकी पुत्री के समान हूँ। सत्तू साधु सन्यासियों के लिए ऐसी गुप्तगु वैसे शर्म है, और जिसकी वजह से मुझे आपके साधु होने में भी भ्रम है। जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ, चलो जाओ। ना सुंदरी ना फिर से इस रेखा के भीतर जाना चाहती है। स्त्री स्त्री एक बार अपनी मान और मर्यादा की रेखा को तोड़कर उससे बाहर आ जाए तो वो कहीं की नहीं रहती, और उसका चाहकर भी वापस जाना असंभव हो जाता है। आप कौन हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, और अकल और कमी सिखा के भैंसी से